क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नीचे दिए गए बहुपदों के समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक परिणाम का घात बताइए। तो देखिए पहला का क्वेश्चन है, बाई का घात 6 माइनस 3 बाई का घात 4 a1 लिखा हुआ है, तो वहां पे हम प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि कह रहा है कि बहुपदों के समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इसको जोड़ना है। तो देखिए a1 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे प्लस का चिन्ह देंगे और दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो प्लस बाई का घात 4 प्लस 2 बाई का घात 2 माइनस 6 प्लस बाई का घात 3। तो देखिए पहले हम जिसका घात एक जैसा है उसको एक जगह पे कर लेते हैं। तो देखिए बाई का घात 6 माइनस 3 बाई का घात 4 प्लस बाई का घात 4 प्लस बाई का घात 3 प्लस 2 बाई का घात 2 माइनस 6। देखिए हम बाई का घात 3, देखिए पहले बाई का घात 6 है माइनस 3 बाई का घात 4 प्लस बाई का घात 4 तक तो ठीक है। उसके बाद हम बाई का घात 3 को पहले लिख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि घातों को अब रोही क्रम में सजा के लिखना है। तो देखिए पहले 6 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2 फिर 6। तो अब देखिए इसको हल कर देंगे, बस हम बाई का घात 3 को हम यहां पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, तो बाई का घात 6 अकेले है तो इसको बस लिख देंगे, बाई का घात 6 माइनस 3 बाई का घात 4 है प्लस बाई का घात 4 है। तो देखिए यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में से 1 गया तो माइनस 2 बाई का घात 4 प्लस, अब देखिए बाई का घात 3 क्या है अकेले है तो इसको बस लिख देंगे, 2 बाई का घात 2 भी अकेले है तो इसको भी लिख देंगे माइनस 6, 6 भी देखिए अकेले है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद अब देखिए इसका जो कह रहा है कि परिणाम का घात बताइए, घात भी बताना है। तो देखिए सबसे ज्यादा घात यहाँ पे देखिए क्या है, 6 है, तो हम लिख देंगे यहां पर लिखेंगे देखिए नीचे घात बराबर क्या 6, यानी जो सबसे ज्यादा घात है जिस पद का सबसे ज्यादा घात है बस घात ही लिख देना है। देखिए सबसे ज्यादा घात इस बहुपद में 6 है तो हम इस घात बराबर 6 लिख देंगे, ठीक है। तो पहले जोड़ करके लिख देना है उसके बाद इसका घात लिख देना है। तो देखिए बी में 4 माइनस 2u² प्लस, यहां पे देखिए कॉमा है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि सबको जोड़ना है योगफल निकालना है। तो देखिए कॉमा की जगह पे हम प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस u², तो माइनस u² को हम ब्रैकेट में ले लिए छोटी ब्रैकेट में, प्लस 4u प्लस 3u² माइनस 3u प्लस 6। तो देखिए यहाँ पे और है तो और के जगह पे हम प्लस देंगे प्लस का चिन्ह। तो देखिए सबसे ज्यादा घात यहाँ पे यू स्क्वायर का मतलब यू का घात 2 है देखिए, तो उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो माइनस 2u² प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो u², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है तो इसको लिख लेंगे प्लस 3u², उसके बाद देखिए u² हो गया एक जगह एक साथ। अब देखिए यू को लिख लेते हैं, ठीक है, तो प्लस 4u माइनस 3u, ठीक है। और देखिए कोई यू बच रहा है तो नहीं है। अब देखिए अब सिर्फ संख्या बच रहा है तो उसको लिख लेते हैं, तो प्लस देखिए 4 है यहां पे तो 4 यहां पे लिख लेंगे, उसके बाद प्लस 3 तो प्लस 3 लिख लेंगे, उसके बाद प्लस 6। तो देखिए अब इसको देखिए u² जितना भी है तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए माइनस यहां पे हो जाएगा माइनस 2u² और माइनस u² कितना हो गया माइनस 3u², तो लिखेंगे देखिए 3u² और प्लस 3u² लिखेंगे हम। तो देखिए माइनस माइनस को हम पहले जोड़ लिए, ठीक है, तो 2 1 3 3u² हो गया प्लस 3u². अब देखिए यहां पे 4u में से 3u गया तो प्लस u हो जाएगा,
ठीक है, एक यू बचेगा तो एक नहीं लिखते हैं, सिर्फ यू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 4 10 3 13, तो 13 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माइनस है ये प्लस है, तो 3u² - 3u² क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए बराबर क्या बच गया, सिर्फ u + 13। देखिए 3u² प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो दोनों घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो उसको हम इस तरह से काट देंगे, तो u + 13 बच गया इसका आंसर। और देखिए घात, तो u का घात यहाँ पे कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इसका घात लिख देंगे, घात बराबर 1। ठीक है, घात भी लिखना है तो हम घात बराबर 1 लिख देंगे, और u + 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पहला और दूसरा हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि px बराबर x² + 5x³ - 6x²² - 8x+6 एवं qx²³ - 7x² + 11x - 6, तो सिद्ध करें कि px + qx = qx + px एवं p0 + q0 = 0। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पी एक्स और क्यू एक्स दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, और सिद्ध करें कि कह रहा है px + qx = qx + px। तो देखिए पहले हम बायां पक्ष लेंगे, तो लिखेंगे हम बायां पक्ष बराबर क्या है, देखिए px + qx, ठीक है, उसके बाद हम दायां पक्ष लेके, अगर दोनों बराबर आएगा तो लिखेंगे हम बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो पहले देखिए px + qx हल करेंगे, बायां पद जो है, उसके बाद qx + px को हल करेंगे। तो देखिए px कितना दिया हुआ है, तो हम यहां पे लिखेंगे px दिया हुआ है, देखिए x² + 5x³ तो देखिए ये दिया हुआ है px बराबर x² + 5x³ - 6x² - 8x+6। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यू एक्स, तो क्यू एक्स का मान कितना दिया हुआ है, क्यू एक्स बराबर है 3x³ + 7x² + 11x - 6। ठीक है, तो देखिए px + qx हो गया, इतना px है 6 तक, उसके बाद देखिए यहां से लेके यहां तक पी एक्स है, और यहां से लेके यहां तक क्यू एक्स है। तो देखिए px + qx यानी दोनों को जोड़ना है, तो बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखिए x² यहां पे है, और देखिए कहीं पे घात 4 वाला कोई नहीं है, तो हम यहां पे लिख देते हैं x² - 4। ठीक है, अब देखिए 5x³, तो घात 3 वाला को एक साथ कर लेंगे, तो देखिए यहां पे है घात 3, तो इसको भी इस यहीं पे लिख लेते हैं, यानी 3x³, इसको लिख लिया। अब देखिए घात 3 वाला कोई नहीं है, तो अब घात 2 वाला को एक साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे -6x², ठीक है, फिर +7x², तो यहां लिखेंगे 7x², ठीक है, और कोई है, देखिए घात 2 वाला नहीं है, तो अब हम x वाला लिखेंगे, यानी -8x + 11x, ठीक है, 8x 11x, और कोई है x तो नहीं है, तो अब संख्या लिख लेंगे, +6 है यहां पे और यहां पे -6 है। ठीक है, तो देखिए इसको अब जोड़ लेते हैं, तो x² अकेले है, तो बस लिख देंगे, देखिए 5 3 8, x³ दोनों देखिए एक जैसा है, तो इसको जोड़ लेंगे, 5 3 कितना हुआ 8x³, घात 3 को क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए x² को जोड़ेंगे, तो -6 + 7 कितना होगा, +x² यानी 1x² होगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 11x में से 8x गया, तो ठीक है घटाना 11 में से 8 गया कितना 3, तो यहां पर लिखेंगे 3x + 6 - 6 क्या हो गया 0, उसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए px + qx बराबर आ गया है x² + 8x³ + 3x² + 3x। ठीक है, अब देखिए हम दायां पक्ष निकालेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे दायां
पक्ष बराबर कितना है, क्यू एक्स प्लस पी एक्स, ठीक है, क्यू एक्स प्लस पी एक्स। तो देखिए पहले हम क्यू एक्स को लिखेंगे, तो क्यू एक्स कितना था, देखिए इधर वाला क्यू एक्स है, तो इसको लिख देते हैं 3x का घात 3 प्लस 3x, देखिए 3x का घात 3 प्लस 7x² प्लस 11x - 6, ठीक है। अब देखिए प्लस पी एक्स, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, अब पी एक्स लिखते हैं, तो पी एक्स देखिए यहां से 6 तक है, तो इसको उतार देते हैं, x² 4 प्लस 5x का घात 3 - 6x² - 8x + 6। तो देखिए हम लिख दिए हैं, अब क्यू एक्स प्लस पी एक्स करेंगे। अभी तक हम पी एक्स प्लस क्यू एक्स किए थे बायां पक्ष में, अब पहले क्यू एक्स को उसके बाद पी एक्स को जोड़ेंगे। तो देखिए यहां पे जो, देखिए जो सबसे ज्यादा घात है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं x का घात 4, उसके बाद देखिए 3x का घात 3, अब घात 3 को फिर लिखेंगे साथ में, फिर है +5x का घात 3, उसके बाद देखिए +7x² अब घात 2 वाला को, -6x², उसके बाद देखिए +11x, देखिए ये 11x, उसके बाद -8x, उसके बाद -6 + 6। तो देखिए ये अकेले है, तो यहां पे लिख देंगे 5 3 8 हो गया, x का घात 3, ये दोनों जुटेगा, तो +8x का घात 3 + 7x² - 6x² कितना हो गया, +x² + 11x - 8x कितना हो गया, +3x, ठीक है, -6 + 6 खत्म हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए x का घात 4 + 8x का घात 3 + x का घात 2 + 3x आया है बायां पक्ष बराबर, यानी पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर, और देखिए दायां पक्ष जो कि क्यू एक्स प्लस पी एक्स है उसके बराबर भी यही आया है, जो देखिए x का घात 4 + 8x का घात 3 + x² + 3x, तो दोनों बराबर हो गया। तो हमको सिद्ध करना था यही, तो हम लिखेंगे अतः, यहां पे हम लिख देते हैं अतः पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर क्या आ गया, क्यू एक्स प्लस पी एक्स, तो बराबर आ गया, देखिए पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स प्लस पी एक्स सिद्ध हुआ। तो यहां पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है, तो इस तरह हम लिख देंगे, सिद्ध करना था तो हम लिख देंगे कि सिद्ध हुआ ये। तो इस तरह से देखिए इसको हम हल कर लेंगे, और कह रहा है कि P0 + Q0 = 0 लाना है, दो एक तो और हमको सिद्ध करना है कि P0 + Q0 = 0। तो देखिए PX बराबर कितना है, x का घात 4 + 5x का घात 3 - 6x² - 8x + 6, तो देखिए हमको P0 + Q0 = 0 लाना है, तो पहले हम P0 निकाल लेते हैं, तो देखिए P0 कितना आएगा, तो देखिए P0 x के जगह पे हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो देखिए x के जगह पे हम सब जगह 0 रखेंगे, तो 0 का घात 4 + 5 × 0 का घात 3 - 6 × 0 का घात 2 - 8 × 0 + 6, ठीक है। देखिए P0 हमको निकालना है, तो सब x के जगह पे हम 0 रखते जाएंगे, तो देखिए कितना आएगा बराबर 0 + 0, देखिए 0 का घात कितना भी रहे 0 ही होगा, -0 - 0 + 6, तो देखिए कितना आया, ये बराबर 6 आएगा, ठीक है, 0 0 कुछ भी रहे, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, 0 ही रहेगा, तो 6 सिर्फ बचा, तो P0 बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए क्यू एक्स बराबर हम निकालते हैं, लिखते हैं यहां पे क्यू एक्स बराबर कितना है,
तो देखिए क्यू एक्स बराबर है 3x का घात 3 प्लस 7x² प्लस 11x-6। तो क्यू 0 बराबर अब निकालते हैं हम। तो देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो 0 का घात 3 प्लस 7 गुना 0 का घात 2 प्लस 11 गुना 0 -6। तो देखिए 3 गुना 0 0 प्लस 0 प्लस 0 -6 आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, क्यू 0 बराबर -6। देखिए यहां पे -6 तो -6 आ गया। अब देखिए अब हमको सिद्ध करना है, देखिए P0 प्लस Q0 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहां पे बायां पक्ष है P0 प्लस Q0 और दायां पक्ष है 0। तो पहले बायां पक्ष लेंगे P0 प्लस Q0। तो देखिए हम लिखेंगे बायां पक्ष P0 प्लस Q0 है। ठीक है, तो बायां पक्ष बराबर P0 प्लस Q0। तो P0 कितना आया है, 6। तो यहां पे लिखेंगे 6 प्लस Q0 कितना आया है, -6। ठीक है, तो देखिए प्लस है, यहां पे चिन्ह है तो प्लस देंगे, यहां पे -6 तो इसको हम छोटी ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, छोटी कोष्टक के अंदर। तो देखिए 6 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 6 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 0, जो कि बराबर है किसके, दायां पक्ष के। ठीक है, दायां बराबर दायां पक्ष लिखेंगे। तो देखिए बायां पक्ष 0 आया, जो कि दायां पक्ष के बराबर है, क्योंकि दायां हमको सिद्ध करना था P0 प्लस Q0 बराबर 0, जो कि आ गया है दायां पक्ष के बराबर। तो हम लिखेंगे यहां पे सिद्ध हुआ, तो लिखेंगे यहां पे अतः तो देखिए 0 बराबर दायां पक्ष, तो हम यहीं पे लिख देते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, यानी बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर आ गया, ये हमको सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में ही, अभी तो हम सिद्ध कर दिए P0 प्लस Q0 बराबर 0, लेकिन एक चीज और पूछ रहा है, क्या PX प्लस QX के घात और QX प्लस PX के घात समान है। तो देखिए हम देख लेते हैं एक बार, दोनों को जो जोड़ करके आया था दोनों का घात समान है कि नहीं। तो देखिए PX प्लस QX का घात कितना है, 4 है, सबसे ज्यादा 4 है, तो 4 होगा इसका घात, PX प्लस QX का घात 4 हो गया। और देखिए QX प्लस PX का घात कितना है, तो देखिए इसमें भी 4 है, तो यानी दोनों का घात क्या है, समान है। ठीक है, क्योंकि हम सिद्ध कर दिए दोनों बराबर है, तो दोनों का घात भी समान ही होगा। तो हम इसका लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, हाँ। तो देखिए नीचे हम लिख देंगे, तो हम यहीं पे लिख देंगे सिद्ध हुआ के नीचे कि हाँ, हाँ लिखेंगे PX प्लस QX के घात समान हैं। ठीक है, हाँ PX प्लस QX के घात के समान है, देखिए के लिख देंगे यहां पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे इसके नीचे, देखिए इस तरह से, हाँ PX प्लस QX के घात QX प्लस PX के घात के समान है। ठीक है, तो इसका आंसर हाँ होगा।